आचार्य ने गेंद रखा जबकि इस तरफ अशोक खड़े हैं, गेंद को रोका अजित पाल ने और असलम ने फिर गेंद हिट करनी चाहिए, गेंद मिली दोबारा रिबाउंड होकर अशोक, अशोक बड़े फिलिप्स ने गेंद एक हाथ से ली, फिलिप्स गोल के पास बिल्कुल और अशोक ने गेंद गोल में गोल। डेमेलो मुझे बहुत पसंद करता था, तो उसने फिर स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कहा था कि इफ एनीबॉडी स्टेप्स इनटू माय शूज दैट विल बी जसदेव सिंह। सिर पर गुरफा हैट, बगल में खुखरी, ठीक पहचाना आपने। राजपथ पर होने वाली परेड में गूंजने वाली आवाज हमेशा के लिए मौन हो गई। क्रिकेट हॉकी समेत कई खेलों का आंखों देखा हाल सुनाने वाले देश के बेहद लोकप्रिय कमेंटेटर रहे जसदेव सिंह की आवाज अब सुनाई नहीं देगी। उनका मंगलवार को 87 साल की उम्र में निधन हो गया। दूरदर्शन पर 70 और 80 के दशक में खेल प्रसारण के मामले में जसदेव सिंह खेल प्रेमियों के लिए जाने माने नाम थे। रंबल मान का उद्घाटन किया था और उसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई थी कि मैंने आके स्टडी कर लेता हूँ जहाँ से कमेंट्री करनी पड़ती, तो मेरे जीवन की पहली कमेंट्री थी एयर पे, तो मैंने देखा कि आसमान में चांद है, दूज का नया चांद। पहले दिन देखा, पहले दिन भी नजर आता है वो, अगले दिन तो होता ही। तो जब मैंने कमेंट्री शुरू की तब मैंने कहा वो देखिए आकाश में दूज का चांद है, राजस्थान के लिए नई आशाएं नई उम्मीदें लेकर आया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर के बोली गांव में जन्मे जसदेव सिंह ने 1963 से 48 साल तक स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का आंखों देखा हाल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में सुनाया था। उन्होंने 1955 में जयपुर में ऑल इंडिया रेडियो में काम करना शुरू किया और 8 साल बाद वो दिल्ली आ गए थे। उन्होंने करीब 35 साल तक दूरदर्शन में काम किया। पंडित जी बहुत भावुक थे और पंडित जी में एक कवि बसता था, इसका देहावसान का अंतिम जो जर्नी थी उसकी कमेंट्री भी हाँ मैंने की। वो मैंने कहा हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर बहता। जसदेव सिंह को 1985 में पद्मश्री और 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं 2014 में उन्हें राजस्थान सरकार ने राजस्थान रत्न से सम्मानित किया। जसदेव ने 9 ओलंपिक खेल, 8 हॉकी विश्व कप और 6 एशियाई खेलों में कमेंट्री की। उन्हें इसके लिए ओलंपिक खेलों के सबसे उच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। जसदेव सिंह के निधन पर खेल जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि कमेंट्री के दम पर खेलों को बुलंदी पर पहुंचाने वाला सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया। टीम न्यूज़ नेशन।